एक बारी फिर लंदन च जाएगा लंदन च इमरान खान कुत्ता भी खड़ा कर देना हम उसको वोट देंगे। जान अल्लाह दी वोट इमरान खान दी असि जान नु तैयार हां इंशाल्लाह बिल्कुल जान तैयार अल्लाह दी रहमत ना जावांगे इंशाल्लाह ताला अफगानिस्तान बला वेख अफगानिस्तान जावांगे। इमरान खान की हुकूमत कौन सी राजे रियाज के मतलब चलती है वो इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान ब्रांड है राजा रियाज ब्रांड नहीं है। वो तो किसी तरफ भी चला जाए हमें कोई फिक्र नहीं है। उधर छितर खाएगा फिर इधर आ जाएगा फिर इधर आएगा फिर मैं कहूंगा इमरान खान इसमें दोबारा टिकट ना दे। जी इस वक्त मेरे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं इस हलके के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? उमर हयातवाना फ्रॉम डेनमार्क प्योर ब्रांड। ठीक हो गया। उमर साहब 2018 में किसको वोट दिया? वोट कास्ट किया था? जी किया था इमरान खान को। तो अभी खुश हैं आप उनके ऊपर? हाँ बिल्कुल खुश हैं। राजा रियाज साहब पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीत गए अभी वो अपोजिशन के साथ यू टर्न वो जो ले लिया यू टर्न हाँ वो लोटा समझते हैं थोड़ा सा। इमरान खान की हुकूमत कौन सी राजे रियाज के मतलब चलती है वो इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान ब्रांड है राजा रियाज ब्रांड नहीं है। वो तो किसी तरफ भी चला जाए हमें कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान की हुकूमत रहेगी और रहेगी। सबसे बात करते हैं जो कहता था जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा ठीक है और हाँ जी पेड़ फाड़ के खम्भों पे के साथ उसको लटकाऊंगा लेकिन आपका सबसे बड़ा डाकू है एमक्यूएम वाले कातिल है तो आपको नहीं लगता कि नहीं ये मसला नहीं है वो इसको अक्सरियत नहीं उसको दी थी। इमरान खान की सियासत है शहबाज शरीफ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। हाँ जी क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब क्या कह रहे थे आप? मैं गरीब तरीन मगर औलाद है आज लोग कहते जहांगीर तरीन खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बारी फिर लंदन च जाएगा लंदन च एक बारी फिर राजा रियाज साहब चलो उन्होंने जरा मामला हूं हो गया। हाँ जी तुम यह दसो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यह जो मुनहरिफ अराकीन ने जिन्हें राजा रियाज साहब भी शामिल हैं यह वापस आ जाए। हाँ जी जे वापस इमरान खान साहब भी राजा रियाज साहब ले लेंगे फिर तुम कहो कि दोबारा उन्होंने लौटा फिर नहीं कहेंगे फिर उन्होंने आपा वोट देंगे कोई तो हाँ देंगे कोई तो लाने इमरान खान कुत्ता भी खड़ा कर देना हम उसको वोट देंगे। जी इंसान को यानी नो प्रॉब्लम अगर वापस आएंगे वेलकम ठीक है भाई एंड उन्हें पीपल पार्टी जी जाना लोटे ने जान अल्लाह दी वोट इमरान खान दी। हाँ जी वालेकुम सलाम हाजी फकीर सान। अच्छा 2018 में किसको वोट दिया आपने? पीटीए को। अब किसको देंगे? पीटीए को। समझते हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश? बिल्कुल कारगर उस नाम पर उसने एक नंबर वन नंबर किया उसने। अच्छा मुझे ये बताएं इस हलके की बात करें राजा रियाज साहब जो हैं वो पीटीए के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। हाँ जी अभी बजाहिर वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं आप समझते हैं आप चूंकि पीटीए के वोटर हैं आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? उधर छितर खाएगा फिर इधर आ जाएगा फिर इधर आएगा फिर मैं कहूंगा इमरान खान इसमें दोबारा टिकट ना दे मनेगा मौजूदा टाइम नहीं होगा बाद मनेगा इंशाल्लाह ताला बाद मनेगा नहीं तंबा फूक हो जाएगा कह रहा है लेकिन इमरान जिंदाबाद ही रहेगा जगह होर आ जाएगा लेकिन एक गिरदार कौम है कभी पीपल पार्टी बढ़ता कभी पीटीए च बढ़ता कभी काफ लीग इदा का राजा राज बेकार कोई काम नहीं कराया। देखो जी असी किसी भी जमात दे नाल नहीं किसी भी जमात दे नाल लेकिन मुखलस इमरान दे नाल नहीं ये गल जे गलत कहो नहीं इमरान अगर इमरान खान सच्चा ओहदे नाल सच्चा
हाँ जी है सच्चा वो है सच्चा है सच्चा दो तीन पार्टियां सारी सारिया पार्टियां बेईमान कठिया होके एक हो गई कल भी साढ़े पाकिस्तान के खिलाफ सी आज भी साढ़े पाकिस्तान के खिलाफ जे अजमे इत्माद दी तहरीक च जे ऑपोजिशन कामयाब हो जांदी है हां जी फिर की करोगे तुसी असि की करांगे असि इन्हां दी तोय तोय करांगे हां वोट फिर भी इमरान खान नूं देवांगे इमरान खान सानू बॉर्डर ते बुलावे मोदी के खिलाफ असीं उत्थे भी जावांगे ये जो हमारे साथ दोस्त मौजूद थे ये इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं वोटर्स हैं और बड़ी सख्त बातें भी की उन्होंने उन्होंने कहा कुत्ता भी खड़ा कर दे पीटीआई के टिकट पे तो ये इसको आप सियासी अलमिया समझें या जो भी समझें कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ये है लोग इस तरह के सपोर्टर्स हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो फैसला करती हैं उनके अंदर इन वोटर्स की जो जो वर्कर है खास तौर पर उसकी सोच को सामने नहीं रखा जाता पॉलिटिकल पार्टीज जो फैसला करती हैं वो अपना मुफाद अपने इलेक्टेबल्स को देख के